أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه أستغفر الله ربي وأتوب إليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن جلت عظمته वसला तो वसलाम व तहैत वलकरबीर ननीर सरानर अतर ताहिरफाखिर अलमज़ाहिर अलमसूरमुदिलमुसद सैद ना व नबी ना बिल्कास मुहम्मद सल ولآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وَاتَّحَّرَهُمْ تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياؤس المستر المستكين ملجأ الهاربين بعصمة المعتصمين أروعنا برواه العالمين لتراه بمقدمه فَدَا قد الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الداعمة الباقية أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم वलमिन अजमीन ऐसा करमी अलमैकम व्ल वक् माह मुबारक जिलेज है ये महीना बहुत सी मुनासिबतें अपने साथ लेके आया है और इस मुक़दस महीने में कई अजीम काम भी हुए हैं एक ही अजीम महीना हज से मखसूस है दूसरे इसमें ईद अज है तीसरे ईद ईदीर है अज़ीम तरीन ईद है चौथे ईद मुबाहिला है इन ख़ुशियों के साथ साथ इस महीने में ग़म की तारीख़ें भी हैं जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हज को उम्र से बदल करके मक्के का छोड़ना जनाब मुस्लिम अकील की शहादत और इमाम मोहम्मद बा़िर सलामतुल्लम की शहादत और भी मुनासिबतें इस मुक़दस महीने में हैं इस मुक़दस महीने में ये ख़ास खसूसियत ये कि अगर कोई शख़्स पहली तारीख़ से दस तारीख़ तक नमाज मगरब के बाद नमाज जिलहिच पढ़े जो दो रकत नमाज है जिसमें सूर्य के बाद सूर्य्ला है उसके बाद क़ुरान आरफ़ की आयत है वदना वा मूसा सलासीना लैला तम ना बश व तमत रब्ब अरबीना लैला वक़ाल मूसा ल हारून उकलुफ़न कौमी मसल वला तब सबीमुफी प्रवाद में कि जो शख्स ये नमाज़ इन दस रातों में मौजान मगरिब के बाद पढ़ेगा उसको हज का सवाब मिलेगा अब तक जिन लोगों ने नहीं पढ़ेगा शुरू करें तो उम्मीद है कि उनको भी हज का सवाब मिले खास इस साल भी बहुत से ज़ायरीन और बहुत से लोग हज की शादत से महरूम हैं और बंदी की बारगाह में इस मुक़दस महीने की अजमतों के का वास्ता दे करके और उसकी बारगाह में उन मुक़दस हस्तियों की कसम दे कर उससे सवाल करते हैं परिगार इस बला को जल्द अज जल्द जल तमाम दुनिया से ख़ास कर कलमागोइों से दूर फरमा ताकि तेरा घर हाजियों से ज़ायरीन से आबाद हो सके और तेरे घर की रौनकें फिर वापस आ सकें और तेरे नबी की कब्र मुतहर और तेरे और के औरबूर मतहरा की ज़्यादा करने वालों का हजूम हो सके ये तेरे घर की वीरानी और तेरे नबी के शहर की वीरानी और ज़ाहरीन की कमी अच्छी नहीं लगती यकीन खुदा बंद आलम तो हर चीज़ पर कादिर है और तेरे लिए किसी भी भला को दूर करना मुश्किल काम नहीं है तो कुदरत लगता है तू चश्मदन में बल्कि उससे भी कम मौके पर पलक झपकते से कम भी मौके पर परवरदिगार तू बलाओं को दूर कर सकता है और सबको शफाए कामिल आज इनायत कर सकता है ये सारी पाबंदियाँ एक लम्हे में तो दूर कर सकता है गर्जे हकीकत है कि ये बलाएँ भी हमारे ही आमाल और हमारे ही गुनाहों का नतीजा है हम उन तमाम गुनाहों से तेरी बारगाह में इससे करते हैं शर्मंदगी का इज़हार करते हैं कि जिसकी बिना पर इस बला में हम गिरफ्तार हुए हैं और वर्दगातों का वास्ता हमें और तमाम दुनिया को इन तमाम बलाओं से जल्द जल्द रिहाई और नजात मरहमत फरमा अजान ग्रामी। आय इमाम मोहम्मद बाकरवल की शख्सियत मजहब जाफ़री में मजहब तशैयों में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है ख़ास कर की हिफाज़त में तालीमत तशैयों को आम करने में और तशैयों की हिफाज़त में आम करने में उनकी तालीमत को दूसरों को पहुँचाने में हज़रत इमाम मोहम्मद सलाम का दौर बहुत ही हसास और बहुत ही अहम दौर है इस दौर से हमें जहाँ बहुत से सबक़ मिलते हैं वहाँ एक अहम सबक़ ये मिलता है कि इंसान को फुर्सतों को ज़ाय नहीं होने देना चाहिए फुरस्तों से बाकायदा पूरी तरह इस्तेफादा करना चाहिए और ना बाद में हसरतों के अलावा कुछ नसीब होने वाला नहीं है जिस वक्त बन एमैया और बन अब्बास इकतदार की खातिर कुर्सी की खातिर एक दूसरे से लड़ रहे थे एक दूसरे पर तोहमतें लगा रहे थे तो उस जमाने में इमाम मोहम्मद बाक़ल साम को थोड़ा सा मौक़ा मिला आजादा ज़रा सी आज़ादी मिली उस आज़ादी इस्तेफा करते हुए उन्होंने ऊँम अहिल कोलूम लाही को दूसरों तक पहुँचाया उन्होंने ऐसा नहीं कि दो दिन चार दिन में क्या होने वाला ये दो चार दिन ही गनीमत है बस हमें भी इस्तेफादा करते हुए फ़ुर्सतों को इस्तेमाल करना चाहिए और फुर्सतों को हाथ से नहीं देना चाहिए एक बात मासूमीन आईम मासूमी सलावातुल्लाम मजमा के बारे में है वो अजीब बात है कि बहुत से ऐसे लोग जो आपको इमाम वली हुत ख़ुदा तस्लीम नहीं करते थे और जो लोग शियों के तल्ल से शीयत के तल्ल से अपने दिल में कुछ ख़ास अक़ीदे रखते थे बगजो कीने रखते थे और शियों के तल्ल से कोई अच्छे नज़रियात नहीं रखते थे लेकिन वो लोग भी इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करते हुए नज़र आते हैं मैं आप साहब ने इबन हजर मक्की उन लोगों जो ने किताब लिखी मुहरका यानी जला देने वाली बिजलियां ये किताब लिखी थी उन्होंने शियत के ख़िलाफ़ और शियों के ख़िलाफ़ लेकिन अमासुमीन का किरदार इतना अजीम किरदार है कि वो इमाम बाकर इस्लाम की तारीफ़ करने पर मजबूर है सवा के में इबन हजर मक्की ने इमाम मोहम्मद बाकर तल्लु सलब से लिखा है कि इन्हों को उनको विरासत में इल मिला था इबादत मिली थी जहदो तकबा मिला था जिसके उनको इस बिना पर बाकर कहा जाता है या बाकर कहा जाता है कि वो ज़मीन को जिस तरह से शिगाफ्ता करके उसमें से फल निकलते हैं सब्जियां निकलती हैं ज़मीन आबाद हो जाती है और उसके अंदर के ख़जाने जाहिर हो जाते हैं उस तरह से इमाम मोहम्मद बाकरूम के ख़जाने जाहिर किए जिसका यानी वो ख़जाने जो अब तक पोशीदा थे जिनके इजहार का मौका नहीं मिल रहा था जिनको बयान करने के कि फ़ुर्सत नहीं मिल रही थी वो वोमूम के ख़जाने इमाम मोहम्मद बा़िब ने बयान फरमाए। फरमाएँ और ये बात इतनी ज़्यादा बात कि उन्होंने मारिफ मारफत इल्म दीन तालीमत अहलबाद के ख़जाने खोल के रख दिए, दिएकाम की हकीकतें बयान की, हिकमतें और लइफ़ नकत बयान किए जो किसी से पोशीदा नहीं है यानी इमाम के किरदार का ये रुख इतना वाज है कि दुश्मन भी एतराफ़ करने पर मजबूर है फरमाते हैं कि वो उन्होंने इल्म को शगाफ्ता किया इम को फैलाया इनको लोगों तक पहुँचाया वो इल्म के जामे थे सारे उलूम उनके पास थे को फैलाने वाले थे उसके सफ़ या पाक दिल रखते थे पाकिजा इल्म अमल रखते थे नफ्स उनका तैयब ताहिर था अखलाक बुलंद था उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सारे वक्त अल्लाह की इताअत में गुजारे और मकाम में उनके वो दर्जात हैं जिसकी तारीफ करने से ज़बान हैं इसी तरह और भी अहल सुन्नत के बुज़ुर्गमा ने हमारे आई मासूमी की तारीफें की हैं बस सिर्फ इतना कह कि वो अफराद जिनकी ये लोग तारीफ़ कर रहे हैं क्या अच्छा होता इन साहबाने औसाफ, औस साहबाने औस साहबाने इल्म औस साहबाने और साहबान अखलाफ और साहेबान साहबान तकवा की पैरवी भी करते अच्छा होता उनकी इमामत के भी मुखलिफ होते नहीं मालूम मैं नहीं कह सकता क़यामत में क्या जवाब देना पड़ेगा इतनी मारफत के बाद इतनी तारीफ के बाद भी उनको हजत खुदा करार न देना उनको वलिए खुदा न समझना खुदा की बारियाँ में क्या उज़्र पेश करेंगे वो बेहतर है लेकिन जो बात मुझे इस फतह की खिदमत में गुजारिश करना है वो ये है कि इमाम बाकी बाकी इमाम कि हमें क्या सबक दे रही है आया हम इन अवसाफ को इन सिफतों को इन खूबियों को सिर्फ गौर से सुन लें और फ्र मबात करें यकीनन अम मासूमीन के अखलाक वरदार वफ़ात पर फख्र मबाद करना हक़ है कि खुदा ने हमें ऐसे आइम्मा दिए हैं जैसे आइम्मा किसी को मरहमत नहीं फरमाए लेकिन उसी के साथ साथ जो बात काबिल तो है कि जिस तरह से दुश्मनों के मजमे में दुश्मनों के नरगे में दुश्मनों के माहौल में रह करके मासूमिन ने अपने अच्छे किरदार से लोगों से अपना कलमा पढ़वा लिया मुखालफत के बावजूद अपनी तारीफें करा ली सारी कोशिशों के बावजूद दुश्मन उनमें कोई एबो नक्श नहीं निकाल सके ये हम सब के लिए सबक है कि हम भी अपने माहौल में अपने घर में अपने एरिए में इस तरह से जिंदगी बसर करें कि हमारे दुश्मन भी हमारी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए तारीफ तो वो है जो दुश्मनों की जबान से सुनने में आए वो क्या तारीफ है जो दोस्त हमारी चापलूसी में हमारी खुशामद में हमको खुश करने के लिए वो तारीफ़ों की है वो तारीफ़ें जो दोस्त हमारी खुशामद के लिए या हमारी तारीफ़ के लिए या हमारी ख़ुशी के लिए करते हैं ये तारीफ़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती हैं क्योंकि ये तारीफें हमें अपने एयूब और अपने नकायश की तरह मुतव होने नहीं देती ये बहुत मुश्किल काम है कि इंसान अपने को इस तरह के लोगों से महफूज रखे हर शख्स को हमारी फितरत यह है कि हमें अपनी तारीफें अच्छी लगती हैं और अपने पर तनकीदें अच्छी नहीं रहती जबकि वो चीज़ जो हमारी तरक्की हमारी बुलंदी और हमारी इज़्ज़त का सबब है वो तनकीदें हैं जो हम पर की जाएँ और हम उन तनक़ीदों को संजीदगी से सुने और अगर वो वजूब हम में पाए जा रहे हैं हम उन वजूब को अपने से दूर करें उन धब्बों को धोएं और खुदा की बारगाह में इन बुराइयों से नजात हासिल करने की खातिर दुआएं मांगे यही हमारे कमाल का रास्ता कोई भी हो घर के मंजिल हो बच्चे हो, ओलाद हो शर्क हयात हो भाई हो बहन हो रिश्तेदार हो दोस्त हो अहबाब हो कहीं भी हो अगर वाक़ा हम पर वो तनकीदें करें जो हक़ हैं तो ये तनकीदे हमारे लिए बेहतर है, हमें हलाकत से बर्बादी से तबाही से महफूज रखती है लेकिन हमारा मिजाज तनकीदे सुनने के लिए तैयार नहीं होता तारीफें सुनने के लिए तैयार होता है बहरह इमें बाखबार किस किस जबान से तारीफें सुनी ये तारीफ के इमाम ने कोई पैसे नहीं दिए ये सब के सब वो थे जो इमाम को वलिय खुदा हजत खुदा तस्लीम नहीं कहते थे लेकिन इमाम का किरदार इतना अजीम था कि उस किरदार के सामने मजबूर थे तारीफ करने के लिए उनके बदतरीन दुश्मन भी उनमें कोई एब्स निकाल सके अगर हम इस रास्ते पर चल रहे हैं तो हमें भी कोशिश करना चाहिए हम उस मंजिल इमामत तक तो नहीं पहुंच सकते मासूम तो नहीं बन सकते लेकिन कम से कम उस रास्ते पर चलने की कोशिशें तो कर सकते हैं इमाम मोहम्मद बाखराम तो की खसूसियत क्या है कि आप बारह इमामों में सबसे अजीम है क्योंकि आप वो हैं जिनकी वो जिनके वालिद और जिनकी वालिदा दोनों फातिमी हैं दोनों जनाब फातिमा जहरा की नस्ल से हैं आपके वालिद इमाम जना इमाम हुसैन के फर्जंद हैं और आपकी वालदा फातिमा जनाब इमाम में हसन की बेटी है तो सबसे अजीम सिलसिला नसब आपका ये है। यह खसूसियत सर इमाम में बाकर बाहर आपके वालद फातिमी है इमाम बालाम ने जो कारनामे अंजाम दिए और आपकी वालदा क्या अजीम मुशान खातून थी इतनी अजीम शान खातून थी इतनी खुदा की बहरगाह में मंजिलत तो मकाम रखती थी कि मिलता है कोई दीवार गिर रही थी वो दीवार दीवार के ऊपर हाथ रखा मोहम्मद मुस्तफ़ा की कसम तुझको गिरने का हक नहीं दिया गया है तू अभी गिर नहीं सकती दीवार पर हाथ रखा और गिरती हुई दीवार कहते हैं दीवार पर किनारे बैठी हुई थी और करीब एक आवाज़ आई दीवार गिरने की शदीद आवाज़ आई दीवार गिरने की दीवार गिर रही है उनकी वालदा ने हाथ दीवार पर रखा का ला मुस्तफा तुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा के हक की कसम तुझे अभी गिरने की इजाज़त नहीं दी गई है तुझे गिरने जाती वो दीवार उस वक्त तक रुकी रही जब तक आपकी वालदा उस दीवार से गुजर नहीं गई अहल बैद के खानदान की खातन भी अजीम दर्जा रखती हैं, विलायत तकवीनी रखती हैं, कायनात पर हक रखती हैं, गिरती हुई दीवार एक हाथ से रुक सकती हैं और कहती तुझे इजाजत नहीं दी गई है गिरने की ऐसी माँ के बेटे और ऐसे बाप के बेटे इमाम मोहम्मद बाकर मैदान करबला में मौजूद थे सारे वाकयात अपने निगाहों के सामने देखे आप जिंदगी देखे और बासूसियत इमाम मोहम्मद बाकर की है कि रसूल खुदा सल्लाम ने आपको सलाम पहुंचाया जनाब जाबिर रसोल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहबी हैं जाबिर अब्दुलस जब जनाब जाबिर ने बारह इमामों के बारे में पूछा और रसोल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारह इमामों के नाम बयान करना शुरू किए तो जब रसोल खुदा सल्स इमाम बासलम के नाम पर पहुँचे तो क्या जाबिर तुम मेरे बेटे फ़र्जंद मेरे फ़र्जंद बािर से मुलाकात करोगे यानी उस वक्त तक तुम जिंदा रहोगे जब मेरे फर्जन से मुलाकात करो तो मेरा सलाम कह देना मेरा सलाम कह देना मेरे फर्जन को जनाब जाबिर इमाम वसल्लम खिदमत में मौजूद थे इमाम बाखरे साहब ला उनको देखा पूछा कौन है कहे बाकर तो फौर उन्होंने क्या किया खड़े हो गए अपने यहाँ के ऊपर कदमों का बोसा दिया वाक अला वाक्य का बेनमा खड़े हो गया पेशानी का बोसा लिया चूमा और कहा मैं आप पर कुर्बान मैं आप पर फिदा अपने वाल बुजवार रसोल खुदा का सलाम कबूल फरमाए ये सुन के इमाम बाकर की आंखों से आंसू जारी हो गए और फरमाए ए जाबिर मेरे वाल रसूल खुदा पर मेरा सलाम हो उस वक्त तक जब तक आसमान और जमीन कायम उदायम है और तुम पर भी सलाम हो कि तुमने उनका सलाम मुझ तक पहुँचाया कोई मामूली दर्जा थोड़ी है खातमू सलीम अशरफुल्नबीन इमाम बाकर को सलाम कहना है कोई मामूली दर्जा है इससे पता चलता कि इमाम की अजमतें रसूल खुदा सलम के सामने क्या थी क्या कहते आपने जोर दिया है इल्म के ऊपर हमारे आईमास सलाम ने इल्म पर बहुत ज्यादा जोर दिया और यह बात मैं बार बार करूँ कि हमारी कौम की हालत उस वक्त तक तब्दील नहीं होगी जब तक हम अपने कौम का मिजाज नहीं बदलेंगे जब तक कौम जज्बा से निकल के अक्ल की मंजिल में नहीं आएगी हकीकत की मंजिल में आएगी तश्स की मंजिल उस वक्त तक कौम की हालतें बदलने वाली नहीं है आप जितनी भी चैरिटी करना चाह कर ले उन चैरिटी का मुखाल सदक दे दें कार खैर करें जो दिल चाहे करें लेकिन जब तक कौम में इल का रुझान नहीं पैदा होता कौम में इल्मी तहरीक शुरू नहीं होती न सिर्फ इलमी तहरीक बल्कि वो तहरीक जिसमें सिर्फ तालीमी की जो न दिया बल्कि वो तहरीक जिसमें हमारे बच्चे नुमाया कामयाबी हासिल करें बुलंद तरीन दर्जात हासिल करें जब तक इस तरह के एक लगन एक जोश एक तहरीक हमारी कौम में शुरू नहीं होगी उस वक्त तक हम तरक्की के रास्ते पर नहीं पहुँच सकते शुरू होगी थोड़ी बहुत शुरू हो गई है मैं सिलसिले में एक बात अस कर बाद एक रवायत आप खिदमत अज करूँ कि अलहमद लाहद लिंदुस्तान के, के मुख्तलिफ शहरों में कौम में जदीद तालीम के ताल्लुक से कई स्कूल खुल चुके हैं कॉलेज खुल चुके हैं कई शहरों में लेकिन ये अलग अलग है अलग अलग धारे में रहना एक अलग काम है लेकिन अगर इन मुख्तलिफ बहती हुई नदियों को एक धारे में डाल दिया जाए तो समुंदर में तब्दील हो जाएगी अगर मुख्तलिफ तालाब को अलग अलग रखा जाए तो तालाब है अगर इन तालाबों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो नहर बन जाएंगे मुख्तलिफ नहरों को एक चीज से जोड़ दिया जाए तो समुंदर में तब्दील हो जाएंगे अगर ये मुख्तलिफ स्कूल जो मुख्तलिफ शहरों में बनाए गए हैं अगर ये आपस में एक बाहिमिया रबेता रखें इंटरेक्ट करें इंटर स्कूल इंटर कॉलेज प्रोग्राम करें तो एक कौम में जज्बा पैदा होगा असर पैदा होगा एक तहरीक पैदा होगी एक वलबला पैदा होगा एक काम मैं आपसे अर्ज करूं कि इज्तमाही काम का मसला क्या है तकलीफें तो होती हैं लेकिन एक आदमी ने बहुत अच्छी मिसाल दी एक शख्स कोई काम कर रहा था लोगों ने तनकीदें शुरू की तबसरे शुरू किए बातें शुरू की वो लोगों के तनकीदों से तबसरों से बजन होकर उसने अपने आप को अलग कर लिया लोगों ने समझा लेकिन समझ में बात नहीं आई एक बुजुर्ग उसको दर्श देने गए और हमारी दर्श देने गए उसके घर में गए जाड़े का मौसम था रोशनदान रोशन था उसमें आग लगी हुई थी और आग के शोले उभर रहे थे और पूरा माहौल गम उन शोलों के दरमियान एक कोयला या एक लकड़ी जो सबसे ज्यादा रोशन और सबसे ज्यादा गर्म थी उस बुजुर्ग ने उस लकड़ी को उस शोले को उस कोयले को निकाल के किनारे रख दिया जो सबसे ज्यादा रोशन था और जिससे सबसे ज्यादा रोशन उस शोले को उस लकड़ी को निकाल के किनारे रख दिया बस कुछ नहीं किया ये साफ देखते थे धीरे 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 ये जो सबसे ज्यादा रोशन था इसकी आंख खामोश होती रही गर्मी खत्म होती रही धीरे 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 वो कोयले में तब्दील हो गया कुछ है ये कोयला तो है लकड़ी तो है ये कल अभी थोड़ी देर पहले कितना रोशन था कितनी गर्मी दे रहा था कितनी हरारत दे रहा था कितनी चीजें बयान कर रहा था अब ये खामोश क्यों हो गया तो बता के दो इसने जब तक सब के साथ था तो रोशनी दे रहा, रहा था हरारत दे रहा था लोगों को फायदा पहुंचा रहा था जब उसने अपने को अलग कर लिया तो उसकी सलाहित खत्म हो गई तो अगर हम मिल के काम करेंगे तो तहरीक होगी जोश होगा वलवला होगा और काम आगे बढ़ेगा काश ये पैगाम लोगों तक पहुंच जाए और कम से कम हम मिनिमम कामन एजेंडे पर तो मुतफ़ हो सकते हम ज़्यादा का दूर नहीं जाना चाहते तो कम अज कम इन स्कूलों के दरमियान जो मिनिमम कामन एजेंडा है हम मिनिमम कामन एजेंडे पर तो मुतफ़ हो सकते हैं और अपनी कौम के इमाम आगे इमाम सलाम ने एक रवायत में फरमाया बारे में फरमाया अब के इमाम ने कितना जोर दिया है अगर इमाम के चाहने वाले हैं तो हमें इन रवायतों पर गौर के रवायतें से सुनने के लिए अमल करें फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो क्योंकि इनका इल्म हासिल करना नेकी है उसका तलब करना इबादत है इल्म हासिल करना नेकी तलब इल्म इबादत है आपस में इम गुफ्तु करना तस्बी का दर्जा रखती है अगर दो स्टूडेंट आपस में बैठ करके फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं केमिस्ट्री के मसाइल पर गुफ्तु कर रहे हैं आई टी के मसाइल पर गुफ्तु कर रहे हैं तो अगर दो स्टूडेंट आपस में बैठ कर के उलू पर गुफ्तू कर रहे हैं तो ये गुफ्तु ये नशिस ये डिबेट तस्बी का दर्जा रखती है तस्बी का दर्जा इल्म दीन है इल्म वो इल्म जो कौम की तरक्की के लिए हासिल किया जाए ये दो नौ जवान जो, जो फिजिक्स केमिस्ट्री आई टी बा इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं और सिर्फ अपने कौम के ऊपर लेके आए तो इन दो स्टूडेंट का आपस में इल्मी गुफ्तु करना तसबी का दर्जा रखता है बहस करना तलाश करना गुफ्तु करना जिहाद का दर्जा रखता है उसको दूसरों को सिखाना सदका का दर्जा रखता है साहबा इल्म को अहल अफराद को इल्म सिखाना खुदा की कीबत का जरिया है यानी जिस तरह से नमाज रोजा हज ज़कात, जक़ातरबत इलाही का जरिया है उसी तरह से किसी बाहत को जेवर इल्म से आरास्ता करना किसी अनपढ़ को पढ़ा देना किसी बच्चे के प्रॉब्लम को हल करा देना किसी गरीब के बच्चे की मदद कर देना किसी कुनजहन बच्चे के लिए इस मसले को साफ करके वाजे कर देना कुर्बत खुदा का जरिया है कहते इल्म है, है जिसका फल जन्नत है और यह इल्म इंसान को वहशतों से तन्हाइयों में उन सदा करता है और खुब सफर में इंसान का बेहतरीन साथी है इल्म और तन में बेहतरीन दोस्त है आसानियों में बेहतरीन गाइड और रहनुमा है और मुश्किलात में बेहतरीन मददगार है दोस्तों के दरमियान इज्जत तो जीनत का सबब है दुश्मनों के मुकाबले पर बेहतरीन असलह है खुदा आलम इस इल्म के जरिए कुछ कौमों को तरक् अता करता है वो रहबरी और व्यादत की मंजिल तक पहुँच जाती हैं देखो और लोगों के लिए इमाम है कि जिनके अफाल की पैरवी करना चाहिए और जिनके नक्श कदम पर चलना चाहिए क्या बेहतरीन गौर तो करें मासूमी ने किस तरह से इम पर आमादा किया है हमें वाक तहरीक के तौर पर गांव गांव करिया करिया शहर शहर देहात देहात हमें इस इल्म के कारवा को आगे बढ़ाना चाहिए आपस में रबिते को मजबूत करना चाहिए एक दूसरे की खबर रखना चाहिए इंटर स्कूल इंटर कॉलेज अगर हमारे कनेक्शन में जाए तो हम ताकतवर हो जाएंगे हम एक दूसरे के मसाल को समझ सकेंगे मदद कर सकेंगे एक साथ मिल सकेंगे फिर हमारा कारवा आगे बढ़ेगा हम अकेले कितना काम करें अकेले काम करने के असर लेकर मिलकर काम करेंगे तो कई गुना ज्यादा हमारा फास असर बढ़ता चला जाएगा उम्मीद है और उसी के साथ साथ जो बात मुझे आखिर में कहना है। कि गदीर आ रही है गदीर इस्लाम की सबसे अजीम ईद है एद अकबर बुजुर्ग तरीन अजीम तरीन ईद ईदीर है, है। जिस दिन अली ने अलीबन भी तलब और बाकी मासूमिन की इमामत और विलायत का एलान किया गया इस ईद गदीर को हमें जिंदा रखना है हर एतबार गदीर को ईद गदीर का पैगाम पहुँचाना हमारी शहरी ज़िम्मे के पैग़म अक्रम सल्ला व्लम ने फरमाया था कि हर वो शख्स जो मौजूद है उसके ज़िम्मेदारी या दूसरों तक ये पैगाम पहुँचाए ये हदीस आज भी शाद है हमें आज भी गदीर के पैगाम को लोगों तक पहुँचाना थे आप यकीन जानिए अगर हमने गदिर को ज़िंदा रखा होता और मुसलमानों ने खदीर के पैगाम को न भुलाया होता और को फरामोश न किया होता तो न मदीने में जनाबे जहरा का घर जलता न करबला ये सारी बनाए जाए अलैहिस्सलाम पर आई वो गदीर को फरामोश कर देने के बिना हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं जो जितना चाहे छिपाए उनका काम है लेकिन हमारी जिम्मेदारी कि हम गदीर को हर एतबार से जिंदा रखें खुशियां मनाएं ईदी बांटें और उससे बढ़ के ईद गदीर के पैगाम को जो ईद गदीर का खुतबा है इस ईद गदीर के खुतबे को एक एक जुमरा को पढ़ करके अपने शहरों में अपनी मस्जिदों में लोगों को इस ईद गदीर के खुतबे के मतालिब से आशना करें गिर को जिंदा करें ईद अकबर है, ईद आजम है, मजलिस करें महफिलें करें सेमीनार करें गदीर से मुत अहल की रवायतों को शामिल करें अहल बैद की बातों को शामिल करें वो मुनाजरे जो ने गदीर के उन मुनाज़रों को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को उन मनाजरों की तरबियत दे तालीम दें ताकि ये गदेर हमारे बच्चों में ज़िंदा रहें और दुआ करें इस ईद कदीर के मौके पर वो दिनएँ कि हम ईद ईदीर के मौके पर ईद गदिर के ताजदार हजरत वली के दस्त मुबारक पर बैत करें और उनको इमाम विलायत की तबरी को तहनीत पेश करें और खुदा बंद इस ईद गदीर की खुशी दोबारा कर दे उनके जरिए उनके के जरिए कौन के जरिए दुनिया से सारी बनाओं को दूर करे उम्मीद है खुदा हम सब को बेहतरीन तो कल में मुकदस मांजुमान से, से राजी खुशनूस फरमाए और हम सब को इस मुक़दस महीने में बेहतरीन इबादत की तोफ़ी का तनायत फरमाए परवरदार इमामस के झुल में ताजील फरमा हर की हिफाजत फरमा इस बला को जल्द दुनिया वालों से तमाम अहल वैत के चाहने वालों से दूर फरमा और जो लोग इस बना में गिरफ्तार है उन्हें नजात परवत बना गिरफ्तार फर ताकि हम इस साल जश्न गदीर भी मना सकें और शान और शौकत के साथ रवायतों के साथ पूरे शानों से तेरे हुसैन का गम भी मना सके परवरदिगार साल भर हो गए हम हुसैन को जी भर के रो नहीं पाए परवरदिगार ये मुहर्रम ऐसा न गुजरे तेरे हुसैन के खून ना हक का वास्ता उस कतरे खून का वास्ता जो इस के गर्दन से गिरा था परवरदि इस बला को सबसे दूर फरमा और हम सबको आजादारी से दुशा करने की भरपूर तोफ़ी फरमा तमाम पाबंदियों से आज़ाद होकर हम इस साल हुसैन का गम बना सकें और वारिस हुसैन की खिदमत में तसलीत और तैदीत पेश कर सकें असलमकूम वरम वक्त